आज का जो पॉडकास्ट है उस पर हम बात करेंगे कि सत्संग क्यों किया जाता था। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, महाज्ञानी हैं, उन्होंने ऐसी क्यों स्थिति बनाई थी जहाँ पे वो एक स्टेज पे बैठे हुए हैं और कुछ विद्यार्थी शिष्य सामने बैठे हुए हैं और सत्संग चल रहा है। राइट फ्रॉम द एज ऑफ शंकराचार्य जी से अभी तक राम कृष्ण परमहंस, अभी जो 200 साल पहले की बात है, विवेकानंद एंड तोतापुरी जी जो कृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु हैं, देन निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि जी, जय कृष्णमूर्ति जी, ओशो, एंड देन जिसको मैं सच में कुछ मानता हूँ वो है अपने संदीप जी और जग्गी वासुदेव जी। ये सारे लोगों ने, इनफैक्ट अगर आप गौर गोपाल दास को भी इंक्लूड करना चाहो, ऑल दो आत्मज्ञान की बहुत कम बातें होती हैं, दुनिया की बाकी जो चीज़ें हैं उसकी ज़्यादा बातें होती हैं, बट स्टिल देर इज़ अ टीचर देन देर इज़ अ स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट समथिंग, एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सत्य दैट इज़ कॉल्ड सत्संग। और अगर वो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं कि असत्य के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो वो असत्य संग है, सत्य संग नहीं है। असत्य के बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, जैसे कि पत्नी पतियों को परेशान करती हैं तो पत्नी को त्याग देना चाहिए, या पत्नी खराब होती है, औरत एक ऐसी चीज है जिस जो एक औरत एक बीमारी है, और हिंदू मुसलमान भगवान राम, भगवान माता सीता जी के बारे में बात हो रही है, थर्ड आई कुंडलिनी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, भूत प्रेत पिशाच, नरभक्षी, ये जो भी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें जो वाकई में वास्तविकता में सत्संग है उसमें नहीं आती हैं। हां, जैसे अब अगर आप बात कर रहे हो कि पति ज़्यादा अत्याचार करता है या पत्नी ज़्यादा अत्याचार करती है, इसके ऊपर अगर आप बात कर रहे हो और इसमें आपने एक सत्य निकाल भी लिया कि चलो पत्नी ज़्यादा अत्याचार करती है, तो आप कहोगे ये भी सत्संग है क्योंकि सत्य संग लगा हुआ है उसमें। दैट इज़ नॉट सत्य संग, बिकॉज सत्य तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप मेरे से कुछ भी बात करो, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करते हैं बैठ के, कौन अच्छा प्लेयर है, तो एक आखिरी में निष्कर्ष निकल के आएगा कि विराट कोहली मानते नहीं है पर सचिन तेंदुलकर ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, या कुछ भी हो, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या विराट कोहली नए हैं तो उनको नहीं बोलना चाहिए या सचिन को ज़्यादा, या व्हाटएवर, आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि ये भी तो सत्य है एक बात का, तो अब वाकई में ये भी सत्य संग हुआ। सत्य तो ये भी निकाला जा सकता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं और आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम इस पे अगर वार्ता कर रहे हैं तो इसका भी सत्य निकाला जा सकता है कि एक्चुअली में क्या मैं अपने आप को आत्मविश्वासी समझता हूं, क्या मैं आत्मनिर्भर समझता हूं या मैं नहीं हूं। एक साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के अगर मैं बात कर रहा हूं तो पता चल जाएगा कि मैं आत्मनिर्भर हूं
या फिर मैं अपने घर वालों के ऊपर निर्भर हूँ या किसी और के ऊपर निर्भर हूँ, ये बात पता चल जाएगी। सत्य संग एक ऐसी चीज है जिसको आई थिंक क्लोज टू चार से, जब से सप्त ऋषियों का जमाना था यानी 15,000 साल पहले से लेकर अभी तक, एक गुरु बैठता है सामने, एक या दो गुरु, और विद्यार्थी लोग बैठते हैं सामने, शिष्य लोग बैठते हैं सामने, सुनते हैं, बात करते हैं, और बार बार रोज का रोज ये लेक्चर चलते हैं और रोज आते हैं सुनते हैं। और टॉपिक क्या होता है कि मैं कौन हूँ, मैं से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर बात होती है, चाहे वो माइंड हो, बॉडी हो, फिर थोड़ा बहुत रिलेशनशिप हो, और उसके ऊपर भी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मैं से रिलेट कर रही हैं, है ना। जैसे आप कहते हो मैं पति हूँ, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मैं से इसको कैसे कनेक्ट हो करेंगे कि हाउ इज़ द कॉन्शियसनेस, हाउ इज़ द कन्वर्जेशन ऑफ कॉन्शियसनेस कनेक्टिंग विद द कन्वर्जेशन दैट व्हाट इज अ हस्बैंड, है ना। सो इट कैन कनेक्ट। अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ कि मैं पति हूँ, तो अगर मेरा तलाक हो गया तो क्या मैं मर जाता हूँ, तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते करते नीचे आप आते हो, अल्टीमेटली आप नीचे आते हो मैं पे, क्योंकि ये मैं कनेक्टेड है पति से, और पति का जो पहचान है वो तोड़नी है। आप एक पत्नी हो, आप एक माँ हो, आप एक बेटी हो, इसकी पहचान तोड़नी है, इस वजह से हम इस पर बात कर सकते हैं। तो ये भी सत्संग में आता है अपना। लेकिन फलाने धर्म में ये बोल दिया जो कि मैं से लिंक्ड नहीं है, वो सत्संग में नहीं आता, है ना। इनफैक्ट अगर ब्लैक होल भी कनेक्टेड है मैं से, तो ब्लैक होल भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि कॉन्शियसनेस और ब्लैक होल में ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे तो सेम मिलेंगे आपको, वहां पे भी टाइम एंड स्पेस नहीं, यहां पे भी टाइम एंड स्पेस नहीं है, है ना। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी फॉर्मलेस है, ये भी फॉर्मलेस है, और जब पैदा हुआ था यूनिवर्स तब ब्लैक होल से हुआ, जब मरा तो ब्लैक होल पे मरा, और पैदा इंसान भी होता है कॉन्शियसनेस पे और मरता भी कॉन्शियसनेस पे ही है। तो अगर आप देखोगे शरीर और मन को हटाएं तो क्या बचा आपके पास, कॉन्शियसनेस, जो कि कॉमन है सबकी आपस में। अगर हम प्राण में कोश को हटा देते हैं तो मेरी और कॉन्शियसनेस आपकी और मेरी कॉमन आ जाएगी। प्राण में कोश का ढांचा जो है वो आदतों को स्टोर करके रखता है, और भौतिक शरीर भी आदतों को स्टोर करके रखता है, और मानसिक शरीर भी आदतों को स्टोर करके रखता है, ये तीनों ही करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो प्राण में ढांचे में, या प्राण में कोश में, या प्राण शरीर में स्थापित रहते हैं। अगर इसको हटा देंगे तो कॉन्शियसनेस, तो ब्लैक होल के बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो लिंक हो रहा है मैं के साथ। तो अगर मैं के साथ कुछ भी लिंक हो रहा है तो बात करो, ये मत बात करो कि मुसलमान में ये बोला, हिंदू में ये बोल दिया। अगर वो लिंक हो रहा है तब वो सत्संग है, नहीं हो रहा है तो कोई सत्संग नहीं। दुनिया की बातें मत करो कि आजकल की लड़कियां कम कपड़े पहनकर घूम रही हैं, शर्म नहीं आती, या फिर आजकल की लड़कियां, जैसे अभी कोई एक महाशय बात कर रहे थे यूट्यूब पे कि मुंबई की लड़कियां देखो छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं तो उनका साथ बदतमीजी नहीं होती, यहाँ दिल्ली में छोटे कपड़े पहन के आप घूम रहे हो तो यहाँ ये बात करने की क्या जरूरत है आपको। तो आप सब बात मत करिए, आप जो बात कर रहे हैं देखिए, आप देखिए, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इसको लेके, मैं हर चीज की बात नहीं करता हूं, जो माध्यम है जिस समय, जैसे मेरे कोई शिष्य आप लोग हो तो आप लोगों के साथ मैं वही बातें करूंगा जो सत्य से जुड़ी हुई है। मैं ये बात नहीं करूंगा मुंबई में कम छोटे कपड़े पहन लिया, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा पहन लिए, या यहां पे बदतमीजी हो जाती वहां नहीं होती, मुंबई ज्यादा सेफ शहर है, ये सब पॉलिटिकल बातें,
ये असत्य है सब। तो ये सब सत्य संग में नहीं आएगा। सत्संग का मतलब भजन कीर्तन भी नहीं होता है कि आपने कहा चलो एक काम करते हैं, लाओ ढोलक मजीरा और चलो गाना चालू करो, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन। ठीक है, बढ़िया गाना है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सत्संग में नहीं आएगा। सत्संग जो है, और भजन, मैंने गाना बोल दिया इसको, ये गाना नहीं है, भजन है, और बहुत ही अच्छा प्यारा भजन है। और भजन कीर्तन इज नॉट सत्संग। सत्य की बातें होना बहुत जरूरी है, पर मुद्दा ये नहीं है पॉडकास्ट का। और ये विषय नहीं है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट का जो विषय है वो ये है कि सत्य संग होता क्यों है, क्योंकि मेरी आदत है कि हर चीज के पीछे लॉजिक देखने की, और इसका उत्तर खोजने के लिए पिछले 3 साल से मैं लगा हुआ हूं। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे को उत्तर मिला है और अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं इसके ऊपर। आपको विश्वास नहीं होगा, माइंड की एक ऐसी लेयर है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा कि सत्य संग करते क्यों है बार बार, बार बार वही सत्य की बात क्यों होती है। रोज आ गए, बैठ गए, ओशो बात कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी बात कर रहे हैं, कभी शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, कभी मोह क्या है, माया क्या है, एनर्जी क्या है, थोड़ा बहुत थर्ड आई के बारे में देख लिया, चक्र वक्रा देख लिया, कुंडलिनी के बारे में जान लिया, थोड़ा बहुत, मतलब जरूरी नहीं उतना, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। नोइंग अबाउट कुंडलिनी, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, राइट? दैट इज वाई वी आर नॉट फोकसिंग। इफ यू अंडरस्टैंड वॉट इज मी, if you understand what is the real me, what is your pehchan, what is your identification, that can solve a major problem in your life. But knowing what is third eye will not solve it. Knowing what is energy might solve it little bit, but knowing chakras and 72,000 nadiyan, then pret, visa, bhoot pret, chudail, dayan, what is the difference between dayan and chudail, इसमें दोनों में अंतर क्या है, और ये क्या, दानव क्या होते हैं, राक्षस क्या होते हैं, और ये पिशाच क्या होता है, और ये और भी 2-3 टर्म्स हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। यक्षास, यक्ष क्या होता है, और यक्षिणी क्या होती है, पिशाचनी क्या होती है, तो इसके बारे में अगर आप बात करते रहो तो इससे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स जस्ट अ एंटरटेनमेंट। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स? जस्ट टू रिलीज डोपामाइन? व्हाट विल हैपन बाय टॉकिंग अबाउट ऑल दीज स्टूपिड लिटिल थिंग्स? द ओनली थिंग विल हैपन इज दैट यू विल नो दीज थिंग्स, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज I'm not feeling good right now. मेरा मूड अच्छा नहीं है सर, मैं क्या करूं, समस्याएं हैं जिंदगी में, अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो तुमको किसने बोला था राक्षसनी के बारे में बात करने के लिए? उससे क्या सॉल्व हो जाएगा आपकी जिंदगी में? अगर तुम्हें यह समझ आता बंधन क्या है, मोह क्या है, माया क्या है, तो तुमने बहुत बड़ी गुत्थी सॉल्व कर ली होती अपनी जिंदगी की, वो है दर्द। That is suffering, कष्ट, pain, पीड़ा, दुख। अगर तुमने ये समझ लिया होता दुख क्या होता है तो ज्यादा बेटर था, राइट? तो सत्संग होता क्यों है इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, और पॉडकास्ट में थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि मेरे को निकलना है अभी जिम के लिए, अभी बज रहा है 6:15। तो तीन साल पहले से मैं एक क्वेश्चन को तलाश रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर, और जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे ग्रो करता जा रहा हूँ, मैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, डिस्कवर करता जा रहा हूँ, और मुझे पता मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बट मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो, तो पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है, सही है, वो ज़्यादा बेटर, ज़रूरी है रिकॉर्ड होना,
और इसके बारे में मुझे पता कहाँ से चला था वो भी मैं बता देता हूँ। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि आई वॉज स्टडिंग मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, आई हैव बीन स्टडिंग इट। देर इज़ अ टर्म कॉल्ड फॉलो अप। आपने सुना होगा कि आपके पास एयरटेल का कॉल आ रहा है, ब्रॉडबैंड ले लो, बार बार रोज आता है एयरटेल का, देन आपके पास रोज रोज ये आता है, क्या बोलते हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, और कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लोन का आता है, आपको 1 लाख लोन के लिए आप एलिजिबल हो गए, राइट, लोन के लिए आ रहे हैं। तो ये फॉलो अप होता है बार बार, फॉलो अप फॉलो। आपको लगता है कौन खरीदता होगा, जबकि लोग खरीदते हैं इसीलिए वो हो रहा है, हमें ये लगता है। तो फॉलो अप करता क्या है कि एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस। ये जो माइंड अवेयरनेस है ये एक ऐसे काम करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको आज मैंने कॉल किया कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मेरी कंपनी का HDFC हेल्थ इंश्योरेंस लेट से, तो आपने कहा कि ठीक है नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, काट दिया आपने फोन। फिर भी आपके आपको याद तो दिला दिया मैंने, है ना, फिर अगले दिन फिर कॉल आया, फिर आपने कहा नहीं चाहिए, फिर आपने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब हो क्या रहा है ऐसे में कि इन्फॉर्मेशन कैसे काम करती है माइंड में, कि एक समुंदर इमेजिन करो और समुंदर के ऊपर से जो आकाश है वहाँ से एक समझ लीजिए कि इंसान नीचे गिर रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई वस्तु है वो नीचे गिर रही है। जैसे वस्तु नीचे गिरेगी तो पहले वो तैरेगी 2-3 मिनट, उसके बाद फिर वो नीचे सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, तल तक चली जाएगी। ऐसे हमारा माइंड काम करता है, जब हमारे पांचों सेंसेस के थ्रू वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर आ रही होती है, तो पहले वो लैंड करती है कॉन्शियस माइंड पे, कॉन्शियस माइंड जो कि समंदर के सरफेस की तरह है, समंदर के तह, या कह सकते हैं कि समुंदर के सबसे ऊपरी परत पे गिरेगी। लेट से कोई कुछ आप छोड़ रहे हो ऊपर से, लेट से क्या छोड़ सकते हो, कुछ भी छोड़ लो, लेट से एक बाइक को आपने ऊपर से छोड़ी, वो बाइक पहले नीचे गिरी, थोड़ी देर तैरेगी, फिर वो नीचे गिरी। तो होता क्या है, जैसे आप करते हो और पहले सरफेस पे छोड़ते हो तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर वहाँ रहती है, फिर इन्फॉर्मेशन नीचे सिंक हो जाती है। इसी वजह से आपको एक हफ्ते पहले आपने क्या खाया वो याद नहीं रहता, आपको कल खाया आप याद कर लोगे, कल सुबह क्या खाया था आपने, परसों क्या खाया था, लेकिन आप 3 दिन पहले का भी याद नहीं कर पाओगे, और एक हफ्ते पहले का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ये एक पोर्शन है माइंड का, इस तरीके से काम करता है। एक और पोर्शन है जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो ऊपर से नीचे गिरी और थोड़ी देर तैरी, नीचे घुस गई, फिर ऊपर से नीचे गिरी, थोड़ी देर तैरी, नीचे घुस गई। फॉलो अप में क्या कहते हैं कि आप बार बार कस्टमर के पीछे घूमते रहो, जब उसको जरूरत पड़ेगी वो खुद ही खरीद लेगा आपसे। इसीलिए एयरटेल का कॉल आता है, हेल्थ इंश्योरेंस का कॉल आता है। अब सत्संग का क्या रोल है इसमें, टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बना के रखनी है, किस चीज की, सत्य की, नहीं तो असत्य की बनी रहेगी। देखो अवेयरनेस तो किसी ना किसी चीज की, जागरूकता तो किसी ना किसी चीज की बनी रहेगी। अगर आपने आज सत्य आपके ऊपर, आपके पास एक चॉइस है कि आपको असत्य की अवेयरनेस बनानी है या सत्य की जागरूकता बनानी है, जागरूकता किसकी होनी चाहिए, सत्य की या असत्य की? अब आप कहोगे असत्य की कैसे बनती है, जब सत्य की नहीं बनेगी तो असत्य की ही बनेगी। असत्य क्या है, भौतिक, मटेरियलिस्टिक थिंग। अगर आप सत्य के साथ नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये आने लगेगा, आप तो कार खरीदनी है, आईफोन खरीदना है, और शादी कर लूँ, शायद उसमें कुछ पड़ा होगा, या फिर अब ये करना है, वो करना, आप भौतिक के पीछे भागोगे। लेकिन आप सत्य का अवेयरनेस बना के बैठे हुए हो तो आप सत्य के पीछे ज़्यादा भागोगे, है ना। सत्य आपके मौत के अंत तक साथ में रहेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस वही था ना।
इसीलिए लास्ट मोमेंट पे लोग कहते हैं राम राम बोल दो जाके, तो उससे कुछ होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने अपना चड्डी में हाथ डाल के रखा और मुंह के अंदर हाथ डाल के रखा, जीभ पे, जीवा और जननेन्द्रियां, इसके अलावा आप कहीं जिए ही नहीं। अब आप आखिरी में जब आप मर गए तो आपके कान के पास आके बोल रहे राम 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 राम, तो उससे अंदर एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करनी होती है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे डिपार्ट हो आप तो थोड़ा सा कुछ अच्छा सेंसेशंस हो जाएं, क्योंकि तृप्ति और अतृप्ति ही कंटिन्यू होती है आगे। तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, अतृप्ति मतलब डिससेटिस्फैक्शन, यही दो स्टेट्स कंटिन्यू होती हैं। तो ये एक बोला जाता है कि चलो राम राम बोल दे, हो सकता है कुछ अच्छे थॉट्स आ जाए, तो लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ये आदमी को अभी भी जीना है, इस आदमी को अभी भी चड्डी के अंदर हाथ डालना है। अभी इसने 50 बिजनेस खड़े किए हैं, अब इसको 100 बिजनेस और खड़े करने हैं। वो आदमी मर गया, उसका टाइम रन आउट हो गया, लेकिन उसको करना था। जैसे अगर आप इन सब शार्क टैंक में जो बिजनेस वाले आते हैं, इनसे जब आप जाके पूछो, आप उनको उनके जीवन में टॉप ऑफ द माइंड में जो अवेयरनेस बनी हुई है वो बिजनेस बनी हुई है। किसी के अरिजीत सिंह से अगर आप जाके पूछोगे तो टॉप ऑफ द माइंड जो है उनके म्यूजिक बना हुआ है, ठीक है। ऐसे आप स्टीव जॉब से जाके पूछोगे, टॉप ऑफ द माइंड आपके एंटरप्रेन्योरशिप बनी हुई है, मार्केटिंग और ये सब, क्रिएटिविटी, ये सभी। टॉप ऑफ द माइंड अकॉर्डिंग टू मी हमेशा सत्य की जो है वो बनी होनी चाहिए, क्योंकि द मोमेंट टॉप ऑफ द माइंड की अवेयरनेस आपकी अगर ये हो गई, क्या बोलते हैं, भौतिक, तो आपके अंदर भौतिक की वासना ज्यादा हो जाएगी। और अगर टॉप ऑफ द माइंड की जो जागरूकता है, यानी जो मन का जो सबसे ऊपर का स्तर है, जहां पे चैतन्य स्मृति होती है, यानी कॉन्शियस मेमोरी होती है, वहां पे अगर ये है कि आपको सत्य से संबोधित हो, आप सत्य से प्रभावित हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आप ज्यादा बेटर जिंदगी जियोगे, अपनी अपना जो जीवन है आपका अच्छा हो सकता है ज्यादा, और क्वालिटी अच्छी हो सकती है उसकी। तो कई बार क्या होता है जीवन में, मैं क्या करता हूं कि डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूं कि मैं पैसे पे फोकस रहूं, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल वही है कि जल्दी से मार्केटिंग को कॉन्कर करके मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करूं, जिससे इससे मुक्त हो सकूं। क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी भी मैं अप्रोच कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया हूं जहां पे मेरे पास पैसा ही पैसा है और सब कुछ दिक्कत नहीं है कोई। अभी भी मैं कुछ चीजों में संघर्ष करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे उस पर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो टॉप ऑफ द माइंड की अवेयरनेस है कि सत्य के साथ रहना है। मैं हमेशा जब पैसे पे ज्यादातर रहता हूं तो मैं पॉडकास्ट, आप देखते हो रेगुलर आ रहे हैं मेरे, ये एक तरीका होता है इस विचार को ऊपर लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, सत्य को ऊपर लाने के लिए। जैसे मैं एक पॉडकास्ट करता हूं या बात करता हूं या पढ़ता हूं या कुछ सुनता हूं या ऑब्जर्वेशन करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, कुछ भी करता हूं, तो वो ऊपर आ जाता है। वो ऊपर रहना चाहिए, तो दिन में 1-2 घंटा आपका इस पे बीतना चाहिए कि आप सत्य की बातें कर रहे हो और सत्य की बातें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये होना चाहिए। बाकी का घंटा आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जितने भी आपके जो आर्स हैं उसमें आपको जो करना है करिए, कोई इशू नहीं है। जो भी करना है, नेटफ्लिक्स देखना है देखो, कुछ भी करो। ऑल दो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकंड जो बाकी का टाइम बचा है उसमें आपको अपने काम पे ध्यान, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो करना चाहिए, है ना। तो सत्य करते क्यों थे, सत्संग करने का सबसे बड़ा जो विचार था वो ये था कि भूल ना जाए इसे हम, क्योंकि एक बार अगर कोई भूला तो उसकी आदत पड़ जाएगी किसी और चीज में घुसने की, और फिर वो वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो भूल ना जाए कोई, तो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये कोई पॉइंट नहीं है, कोई पहाड़ की कोई चोटी नहीं है कि आपने संघर्ष करके जल्दी से चढ़ लिया, मतलब संघर्ष करते हुए चढ़ लिया और उसके बाद अब आप पहुंच गए, अब आप वहां पे अपने दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहे हो आई हैव रीच्ड देयर। तो
दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स ओवर हियर. इट इज लाइक अ मसल. इनफैक्ट शरीर मन में सारी चीजें ऐसी ही काम करती हैं. अगर आप गिटार बजाना छोड़ दोगे, आपने 20 साल गिटार बजाया, अगर आप 21वें साल गिटार बजाना छोड़ते हो, आपको क्या लगता है? आपके पास वो कमांड होगी? नहीं होगी. वैसे इसमें मसल होता है. मसल की तरह क्या है ये कि अब आपको, जैसे कि आप कह रहे हो मेरे को वैराग्य प्राप्त हो गया. प्राप्त क्या होता है? वैराग्य बना हुआ है अभी थोड़ी देर के लिए. वैराग्य वापस नीचे भी गिर सकता है आपका. यदि कोई आपका कोई लैपटॉप थोड़ी एक जाके दुकान से खरीद लिया, लाओ भाई हाँ एक पार्ले जी का बिस्किट देना, हाँ प्राप्त हो गया, ऐसे नहीं होता है. तो इट्स लाइक अ मसल. यू हैव टू सस्टेन इट टिल द एंड पीरियड ऑफ योर टाइम, जिससे वो आखिरी में शरीर छोड़ते वक्त या फिर कुछ भी हो, एक ये रीजन होता है कि मौत के समय ये बना रहे ऊपर. क्योंकि मौत के समय अगर आप कितना भी आप राम 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 कर लो, सत्य ऊपर नहीं आने वाला आपके. अगर आपको राम को अपनी जिंदगी में सच में लाना है, तो आपको पूरे जीवन सत्य 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 की बात करनी है, और सत्य से काम करना है, सत्य की पढ़ाई करनी है, सत्य का विरोध नहीं करना है, सत्य के साथ रहना है, इग्नोर नहीं होना है, अज्ञानी नहीं बनना है कि इग्नोर मारने है बैठ के कि अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ही कर रहे हैं सिर्फ. मेरे हिसाब से तरीका नहीं है. क्योंकि क्या करोगे अगर आप बिजनेस को या पैसे को या दौलत को या ज्वेलरी को, अपनी पद प्रतिष्ठा जो भी आपका है, आईएएस आईपीएस प्रधानमंत्री कुछ भी हो आप, अगर आप एक मैग्नीट्यूड में देखो, अभी तक अर्थ में हो चुके हैं 4 बिलियन साल, यानी 400 करोड़ साल हो चुके हैं अभी तक. ठीक है, 400 करोड़ साल में आपके 70 साल की बिजनेस की जिंदगी जो है, जिसमें आपका 20 साल बचपन का हटा दिया और 70 साल की जिंदगी जो बची, वो क्या है? 400 करोड़ में अगर आप देखोगे तो क्या है ये? क्या कर लिया आपने ऐसा? आपके बिजनेस करने से सोलर सिस्टम पे, सौर मंडल पे, आकाश गंगाओं पे, ग्रहों पे, ग्रह के अंदर जो कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, उस पर क्या फर्क पड़ता है? इस ब्रह्मांड को क्या मतलब है कि तुमने बिजनेस किया नहीं किया? अरे तुम मंगल ग्रह पे जा रहे हो, तुम कंपनियां बना रहे हो, स्पेसएक्स है ना, उसके बाद तुम कह रहे हो कि हमने अपनी धज्जियां उड़ा ली धरती की, अब हम धरती की धज्जियां उड़ा के हम जाएंगे मंगल ग्रह की भी धज्जियां उड़ाएंगे. अरे तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? सृष्टि को आपने क्या किया है? इस यूनिवर्स की अगर एज देखें, अगर अपने सोलर सिस्टम की अगर हम उम्र देखें, तो सिर्फ 1,000 करोड़ साल तक एक सौर मंडल जीवित रहता है, और अगर पूरे ब्रह्मांड की उम्र हम देखें तो 1,000 करोड़ 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 क्वाड्रिलियन ट्रिलियन साल तक जीवित रहता है. फिर पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो खत्म होकर शून्य पे आता है. मतलब पार्टिकल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, मैटर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे. और जब ब्लैक होल्स रन आउट हो जाएंगे अपने फ्यूल में, तो कंप्लीट शून्यता का जिक्र होता है. टाइम एंड स्पेस का जो फाइबर है या जो फैब्रिक है वो खत्म हो जाता है. मतलब टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाता है. ब्लैक होल खत्म होने के बाद समय और काल की जो चादर है जिसके ऊपर ग्रह बैठे हैं वो खत्म हो जाती है. ये चादर जब खत्म होती है, जैसे ही ये खत्म होती है, उसके बाद कोई समय नहीं होता, कोई काल नहीं होता. देयर इज नो पॉइंट ओनली, कोई एक सिंगल पॉइंट भी नहीं बचेगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है. ये रेल्म खत्म हो जाता है, दिस रेल्म इज गॉन. फिर क्योंकि वासनाएं पड़ी हुई है मनुष्यों की, इन वासनाओं की पूर्ति के लिए दोबारा ब्रह्मांड का जन्म होता है. और वासना की पूर्ति सिर्फ मनुष्य की नहीं होती है, और भी जीवों की है.
और भी जो स्पीसीज मौजूद हैं मनुष्यों से भी ऊपर। ऐसा बताया जाता है कि एक गैलेक्सी में यानी एक आकाशगंगा में 50,000 ग्रह ऐसे होते हैं, वैसे तो करोड़ों लाखों ग्रह हैं, 50,000 ग्रह ऐसे होते हैं जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ पॉसिबल होती है और सबका रीइंकार्नेशन हो रहा है। अगर आप एक पॉइंट से इमेजिन करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो वासना खत्म पड़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि दिस इज 84th यूनिवर्स राइट नाउ, और 85th की बारी आएगी 1,000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 ,
108 तक जाएगा। 108 के बाद क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है। और ये भी नहीं आइडिया है कि ये सब पतंजलि ने बोला है, और एक्चुअली देखा जाए तो हर चीज़ मरती है और जीती है तो मरती है, तो वैसे ही यूनिवर्स भी जिएगा तो मरेगा, ये तो क्लियर है। तो अगर आप देखोगे, एक उम्र देखोगे, तो ये सब समझ में आएगा कि आपको। बहरहाल, तो सत्संग क्यों किया जाता है, इसका एक रीज़न ये है क्योंकि इसमें आप सत्य को भूल जाते हो। आपने कल सत्य की बात करी, परसों सत्य की बात करी, फिर आप भूल गए, फिर आपको वापस याद दिलाना होता है। और याद दिलाना ऊपर की तरफ ज़रूरी क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर की मेमोरी, अब एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बात करते करते अभी निकल के आया है, जो समुद्र तल की सबसे ऊपर की जो मेमोरी है, यानी जो सबसे जहां पे अंधेरा होता है, जहां पे समुद्र तल के नीचे, समुद्र तल से नीचे अगर आप तह की तरफ बढ़ेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पे सनलाइट नहीं जा पाती, तो अंधेरा हो जाता है। वहां पे सारे समुद्री जीव होते हैं जो अंधेरे वाले होते हैं, और जो रोशनी वाले होते हैं वो ऊपर होते हैं जहां पे रोशनी होती है, तो वो नीचे सबकॉन्शियस माइंड है, और ऊपर जो है जहां पे रोशनी एकदम तेज चमक रही है सरफेस पे, यानी तल पे, वहां पे वो पॉइंट क्या है, कॉन्शियस मेमोरी वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, उसके अनुसार एक्शन होते हैं। तो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस पे जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उसके अनुसार ज्यादातर एक्शंस होते हैं आपकी जिंदगी के, आपके विचार उसके अनुसार होते हैं, आपकी भावनाएं उसके अनुसार होती हैं। तो एक बार मैं सपना देख रहा था, बहुत गंदा सपना, देखते देखते उठा मैं और मैं चौंक गया। मतलब उस सपने में क्या क्या हुआ मेरे साथ, मेरे घर वाले सब खत्म हो गए, फिर जो भी सब चीजें सब खत्म हो गई, मतलब बहुत दुख हो रहा था। फिर मुझे जेल में बंद कर दिया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। और मैं जब उठा तो आई वॉज लाइक, क्योंकि वो भावना कंटिन्यू होती है थोड़ी देर तक, कुछ 2-3 मिनट तक जब उठते हो सपने से। और मैं रात में उठा था, रात में अगर आप ऐसे उठोगे 3-4 बजे एकदम अचानक से तो आपको काफी खराब लगता है, वो आधे घंटे तक खिंचता है। फिर तो जैसे ही मैं उठा तुरंत मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। जैसे ही मुझे याद आया सारा रिएक्शन बंद हो गया अपने आप, मतलब इट वॉज लाइक इमरजेंसी ब्रेक्स। तो ये इमरजेंसी ब्रेक आ जाती है आपके पास, अभी आपके पास इमरजेंसी ब्रेक नहीं है, अभी आपके पास नॉर्मल ब्रेक है। नॉर्मल ब्रेक क्या करता है, धीरे धीरे रोकेगा। ठीक है, फेलियर हो गया, घर वाले आ रहे बेटा सही हो जाएगा, धीरे धीरे आपका मूड सही होगा, 3-4 दिन बाद आपका मूड सही होगा, 5 दिन बाद आपका, यहां पे तुरंत इमीडिएट मूड सही है, चुटकी बजाया ठक मूड सही। ऑब्वियसली अगर घर में किसी की सच में मौत हो गई है तो तुरंत चुटकी बजा के मौत नहीं हो सकता, बिकॉज स्टिमुलस बहुत हाई है, तो चुटकी बजा के वो चीज तुरंत खत्म नहीं हो सकती उस चीज की। तो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस सत्संग में आज हमने ये देखा है कि सत्संग करते क्यों हैं, क्योंकि मन की जो सबसे ऊपर की परत है वहां पे चैतन्य स्मृति बना के रखना बहुत जरूरी है, जागरूक स्मृति होनी चाहिए। यानी
क्योंकि अगर वहां पे वो नहीं बना के रखेंगे तो वहां पे जो विचार है वो डोमिनेट करेंगे हमें। जैसे अगर आपके टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द माइंड पे अगर आपके ये बना हुआ है कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस 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 घूम रहा है, तो आपका जो एक्शंस होंगे वो भी बिजनेस से रिलेटेड होंगे। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बिजनेस और बिजनेस ही आपके मन में चलेगा और दैट्स इट, कुछ नहीं चलेगा। तो और जब मर रहे होगे तो भी आप यही सोचोगे, अरे इतना बिजनेस बनाया छूट जा रहा है, सारा पैसा खराब हो गया। तो ये है खेल पूरा का पूरा मन का। तो इसीलिए सत्संग करते थे जिससे टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनी रही। ये नहीं कि एक बार में पढ़ लिया, अच्छा मैं कौन हूं, अरे मैं तो ये हूं, मैं ब्रह्मांड हूं भैया, खत्म, अब बताओ आगे क्या करना है। देर इज नो आगे, यही है जो है। इसके आगे है क्या? किसको पता है ब्रह्मांड के आगे क्या है? किसी को पता है? आगे बताओ, आगे क्या बताना है? अब आपको क्या मियां खलीफा की पॉन भेजे बैठ के, क्या बताना भाई आगे? अरे ये तो समझ में आ गया सर, समझ में कुछ नहीं आया है। आज समझ में आया कल भूले हो, और कल भूलोगे तो कल फिर वही करोगे, फिर कहोगे ये सब चीजें बेकार हैं। जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती हैं, जीवन के जीवन में जो परेशानियां हैं वो कभी खत्म नहीं होती, जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो कभी खत्म नहीं होती। ये सब ये क्या हुआ है माई लगा के रखा हुआ है, ये क्या आत्मज्ञान की क्या बातें करते रहते हो, ये सब बेकार फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होता। तो इस तरीके के डायलॉग हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप मूर्ख हो, आपको ये पता ही नहीं सत्संग क्यों करते थे। आपको क्या लगता है शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य जी आज से 1200 साल पहले की बात है, 1300 साल पहले की बात, 1200 साल सॉरी, आज से 1200 साल पहले की बात है, उनका जन्म हुआ था। आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति ने इतना लेक्चर दिया होगा लोगों को, ठीक है तो वो क्यों दिया? और वो लेक्चर में क्या नया नया बताते थे क्या? हर समय वही बातें होती हैं अलग अलग दिशाओं से। कुछ नया अगर हो रहा है तो ठीक है, सीख लिया बता दिया, है ना, लेकिन घूम फिर के सब कुछ वही आएगा, सेंटर पॉइंट तो वही है सारी बातों का, और क्या करोगे और क्या बात करोगे? इतना बड़ा दिग्गज, इतना बड़ा व्यक्ति, इंसान, गुरु बैठ के जब वो 32 साल तक उन्होंने समाधि ले ली, 32 साल तक वो समझाते रहे, उसमें क्या नया समझा दिया होगा उन्होंने? इट्स नॉट अबाउट नया, ये कोई पिक्चर नहीं है कि आज आ गया भैया, आज फास्ट एंड द फ्यूरियस फर्स्ट आई, अब टू आ रही, थ्री आ रही, फोर आ रही है, कि नया क्या? भिन्नता से ही तो दूर भागना है। हर आदमी को अलग चाहिए कुछ, अरे वो अलग तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर है, वो अलग तरीके का एक्टर है, वो अलग तरीके का सिंगर है, वो अलग तरीके का प्रोडक्ट है, वो अलग तरीके की लड़की है, वो लड़की जो सबसे अलग है। क्यों चाहिए अलग? क्योंकि माइंड को चाहिए। वो लड़की जो सबसे अलग है, क्यों अलग चाहिए? अलग क्यों चाहिए? साधारण लड़की क्यों नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि सबको असाधारण चीजों में मजा आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्यों सबको भिन्नता चाहिए? क्यों भिन्नता चाहिए? क्योंकि भौतिक जगत में मन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भौतिक जगत की प्रकृति ही है डिफरेंशिएटिंग थ्री फैक्टर। एवरी सिंगल मॉलिक्यूल, एवरी सिंगल पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्लांट, द एनिमल इज डिफरेंट, द टाइगर इज डिफरेंट फ्रॉम चीता, द चीता इज डिफरेंट फ्रॉम लेपर्ड, द लेपर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक पैंथर, द ब्लैक पैंथर इज डिफरेंट फ्रॉम लायन, द लायन इज डिफरेंट फ्रॉम स्नो लेपर्ड। दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, द माइंड नेवर एक्सेप्ट इट्स कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये भाई ये सब कुछ बोल रहे हो कि ये एक है, कैसे एक हो गया, हमें तो नहीं लगता एक है। क्योंकि
भौतिक जगत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि भौतिक के नज़र से अगर आप देखोगे तो सब कुछ अलग अलग है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और भौतिक जगत में ही मनुष्यों का मन आता है, इसीलिए मन को अलग अलग चीज, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करता है आदमी। कई लड़कियां यहां पे सुन रही होंगी, सुन लीजिए, आपके पति को अलग अलग शरीरों के साथ खेलने की आदत है। क्यों? क्योंकि अलग अलग शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंगों में अलग अलग महक होती है, अलग अलग लड़की अलग अलग तरीके से वाइल्ड होती है, अलग अलग लड़का अलग अलग तरीके से, अब लड़कों का तो होता ही है सबका अलग अलग, ठीक है। एज अ गर्ल, एक कॉलेज में एक लड़की थी, वो बैठी हुई एक दिन मेरे साथ कहती है कि दारू पी रही थी बैठ के, तो नहीं दारू पी रहे थे या नहीं पी रहे थे ध्यान नहीं आ रहा, कहती है कि यार मेरा एक बॉयफ्रेंड था पहले, वो पता है बहुत केयर करता था मेरी, और मेरा करंट बॉयफ्रेंड है ना, वो मेरी केयर नहीं करता। एटलीस्ट वो केयर तो करता था, पर ये रोमांटिक बहुत है, ये अंदर से केयर करता है, जो नया वाला मेरा बॉयफ्रेंड है वो अंदर से केयर तो करता है बट बाहर से नहीं, पर जो पुराना बॉयफ्रेंड था ना वो सामने से भी केयर करता था, दिखाता था, ये उतना ऑब्वियस नहीं है। तो मैंने कहा जब तुम लोग मतलब आप देखिए, अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे नीड डिफरेंटिएट। शी वेंट एंड लेफ्ट द बॉयफ्रेंड द एक्स एंड गॉट ऑन इन अ रिलेशनशिप विद अ डिफरेंट बॉय हु इज नॉट केयरिंग दैट मच बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे आर रियली डिफरेंट, दीज टू पीपल आर डिफरेंट। सो अब वो एक अलग बात है कि वो क्यों याद आ रहा था, उसका रीजन भी होता है कि वो क्यों याद आता, क्योंकि हम वैल्यू नहीं करते जो हमारे पास है उसकी, हमको पुराना याद आता है। कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कहते हैं कि यार बहुत यार दिमाग खराब हो रहा है यार, माना कि रिचा उतनी अच्छी नहीं थी, उसने मेरे को धोखा दे दिया, लेकिन यार केयर तो करती थी ना, मेरे लिए खाना बना के लाती थी। और जो रिलेशनशिप में वो क्या कह रहा है, आके जब ये व्यक्ति रिलेशनशिप में था तो इसी रिचा, जो लड़की है रिचा, इसके बारे में बोलता था कि यार ये ऐसे करती है वैसे करती है, उसके अंदर ये नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, ये करती है वो कर। मैंने कहा यार तुम लोग मतलब जब वो साथ में थी तो उसके ऐसी चीजों पे ऐसी उसके पॉजिटिव्स पे फोकस करें, अब जब वो नहीं है तो उसके नेगेटिव पे फोकस कर रहा है, उसके पॉजिटिव पे फोकस कर रहा है सॉरी, और जब थी तब नेगेटिव पे फोकस करने लगा आदमी। ये जो रिलेशनशिप का हनीमून फेज होता है ना, इसमें शुरू के 6 महीने में एक व्यक्ति सारे नेगेटिव्स इग्नोर करता है सामने वाले के, और पॉजिटिव्स को अपनाता है। जैसे ही रिलेशनशिप का हनीमून फेज खत्म होता है उसके बाद नेगेटिव्स आने लगते हैं कि इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर वो नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है। जब एक व्यक्ति आपको छोड़ देता है तब आपको उसके नेगेटिव पे फोकस करना चाहिए। उस समय आपको ये याद आता है कि अरे यार जब वो गले लगाती थी तो बात ही अलग थी, मेरी वाली स्पेशल थी, उस वक्त ये सब याद आ रहा होता है। तो वो हम वैल्यू नहीं करते, हमारा ये भी एक फितरत है, जो हमारे पास है वो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे पास नहीं है वो हमें चाहिए, और जब हमें कोई चीज मिल जाती तो हम उसमें भी नुक्स निकालने लगते हैं। तो माइंड को भिन्नता चाहिए। ये जो लोग पूछते हैं आगे भी भैया ये कुछ अलग बताओ यार,
कुछ अलग वाला सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी में अलग वाला सिस्टम नहीं है कोई। ये वहां सही है कि आप गान, आपको मैं गाना सुना रहा हूं तो आपको यार कुछ अलग गाना सुनाऊं, ठीक है वहां पे एक्सेप्टेबल है कि आपको मैं कुछ गाना वाना सुना रहा हूं आपको, यार आप इस पे आके नाटक कर रहे हो। अब मटेरियल के रूल्स आध्यात्मिक जगत पे अप्लाई नहीं कर सकते, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की क्वालिटीज में डिफरेंस है। यहां पे सब कुछ उछल पुछल करता है, यहां पे सब कुछ उथल पुथल करता है, उछलता है कूदता है फिर बैठता है, ऐसे होता है। साउंड ऑफ साइलेंस के लेवल पे कोई उछल पुछल नहीं है, कोई ड्यूअलिटी नहीं है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो चरित्र है, उसका जो पर्सनालिटी है उसकी, जो वो सबसे अलग है, वो भौतिक से विपरीत है अगर आप देखोगे तो। वहां पे कोई सेंटर पॉइंट नहीं है किसी चीज का, कोई संतुलन नहीं है, संतुलन नाम की चीज नहीं है वहां पे, क्योंकि ड्यूअलिटी नहीं है तो संतुलन कैसे होगा। वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती ड्यूअलिटी, वहां पे संतुलन एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे बदलाव एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो चेंज ओवर, यहां पे हर चीज बदल रही है। वहां पे किसी चीज का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, यहां पे हर चीज का आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा, राइट फ्रॉम प्लैनेट्स टू गैलेक्सीज टू माइंड। वहां पे किसी चीज की लेयर नहीं, यहां पे हर चीज पे लेयर मिलेगी आपको, हर चीज पे लेयर मिलेगी, लेयर 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 लेयर, फिर मल्टीफंक्शनल ऑर्गेनिज्म होता है उसी से क्रिएट। वहां पे बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं है, इंटेंगलमेंट नाम है, यहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। और वही बॉन्ड जो है वो ग्रॉस पे भी काम कर रहा है, एक लड़का एक लड़की आपस में मिले, दोनों को अच्छा लगा, फिर अलग कर दिया परिवार वालों ने, अब रो रहे हैं बंधन। वहां पे ये सब, वहां पे अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, बंधन नाम की कोई चीज नहीं है, इंटेंगलमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है वहां पे, यहां पे हर चीज में गिव एंड टेक है, शादी भी गिव एंड टेक है, लड़का लड़की गिव एंड टेक है, बिजनेस गिव एंड टेक है, हर चीज गिव एंड टेक है। पेड़ क्या करेंगे कि ऑक्सीजन लेंगे, वो कहते हैं पहले ऑक्सीजन दो हम फिर CO2 देंगे, या पहले हमें CO2 दो फिर हम पहले ऑक्सीजन देंगे। फोटोसिंथेसिस में यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है हर चीज का। सनलाइट को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, और सनलाइट मत दो तुम, फिर देखो तुम्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है। तो इसीलिए बोलते हैं सन अगर खत्म हो गया 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो एनीवे, यहां के लॉज वहां काम नहीं करते, ये दोनों सेपरेशन अपने माइंड में बना के चलो। और मैं कहां पे स्टे करता हूं ये भी समझने की कोशिश करो, मैं हर जगह हूं। अगर मैं अपनी सोच को साउंड ऑफ साइलेंस पे फिक्स रखता हूं तो मैं साउंड ऑफ साइलेंस हूं। द मोमेंट द टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस शिफ्टेड टू द बॉडी, तो अब मैं मटेरियल में आ गया। तो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस जो है मेरी, वो अगर बॉडी पे शिफ्ट हो सकती है तो वो संसार में भी शिफ्ट हो सकती है, और संसार में शिफ्ट हो सकती है तो वो बिजनेस में भी शिफ्ट हो सकती है, और अगर बिजनेस में भी शिफ्ट हो सकती है तो पैसे में भी शिफ्ट हो सकती है। तो अल्टीमेटली द मोमेंट आई एंटर इन टू द रेलम ऑफ द बॉडी, द मोमेंट आई एम अवेयर दैट आई एम द बॉडी, आई ऑल्सो ग्रीड फॉर मनी, आई ऑल्सो ग्रीड फॉर सच्चा प्यार, आई ऑल्सो ग्रीड फॉर सेक्स प्लेजर, पद रेपुटेशन प्रतिष्ठा सम्मान मोह माया। सो दैट इज ऑल, बट इफ आई शिफ्ट माई अवेयरनेस टू दिस ध्वनि, टू द आध्यात्मिक रेल्म, व्हाट हैपेंस इज दैट
माय थॉट प्रोसेसेस, जो मेरा विचार का चलन है, विचार या वृत्तियां हैं जो मेरे मन की, अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने नाना के पास गया, मेरे नाना, ये जब मुझे साउंड से मेरा इंटरफेरेंस हुआ था आज से 6 साल पहले, तो मैंने सबसे अपने, क्योंकि मेरे नाना ध्यान करते हैं, आज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने कुछ सुना? कहते हैं ये तो मैं जानता हूँ, रोज सुनता हूँ 3 बजे, उनका वो 3 बजे उठते हैं, पहले मेडिटेशन करते हैं 30 मिनट, फिर अपना फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर आके थोड़ा सा बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं, योगा करते हैं, 5 बजे तक उनका योगा ख़त्म होता है, फिर निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन घूमने, पास में रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, घूमते हैं वहाँ से, नहीं तो किसी के घर चले जाते हैं, वहाँ बात बात करते हैं, घर आते हैं, चाय वाय बनाते हैं या मिल जाती है, और फिर अखबार पढ़ते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद फिर कुछ भजन वजन गाते हैं, गाना वाना वो सब, ही इज़ अ वेरी नाइस सिंगर ऑल्सो, तो ही राइट्स भोजपुरी सॉन्ग्स, भजन, कबीर पे उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, तुलसीदास के भजन लिखे हैं बहुत सारे, भगवान शिव पे लिए हुए बहुत सारे, तो ये सब करते रहे। तो एनीवे, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या सीन है ये, मतलब साउंड ऑफ साइलेंस का क्या, आपने सुना है क्या कुछ ऐसा? तो बोलते हैं तो मैं रोज सुनता हूँ ये, इसको भगवत गीता में जो कृष्ण बोल रहे ना, मैं वो यही बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो जब मेरा हुआ था तो मैंने सुनना स्टार्ट किया, तो उन्होंने और भी चीज़ें बताई थी, मुझे याद नहीं आ रही इसके बारे में, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली थी, उस वक्त मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, और आज अगर मैं बैठता हूँ उनके साथ तो मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ, क्योंकि अभी बोलना तो नहीं चाहिए, पता नहीं, बट आप लोगों को शायद अटपटा लगेगा ये, कि अभी ऐसा हो गया कि अभी वो चुप रहते हैं फिर मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि उनको ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब उनका ऐसा सीन हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ, उनके साथ मेरे नाना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने, उनको सब समझ में तो आ गया, लेकिन उन्होंने पता क्या किया, वो भौतिक में ही गुमान हो गए, भौतिक में फंस गए, पूरे टाइम अपने बच्चों की कंप्लेन करते रहेंगे, मेरे बच्चे ये नहीं करते, वो नहीं करते, और शादी करा दो पार्थ की, इसकी शादी करा दो, मामा का एक लड़के हैं उनकी शादी करा दो, बच्चे कर लो, और शादी के लिए लड़कियां ढूंढते हैं सब, हमारे जो घर वाले हैं या उनके दोस्त हैं उनके बेटे हैं, तो आपस में सब उनका ग्रुप है, तो सब आपस में लड़कियों को मिलवा के शादी करवाते हैं, तो ये सब में फंसे हुए हैं, उनके पास जब भी बैठो हमेशा कंप्लेन करते हैं, उनके जैसे उनका मुंह खुलता है वो या तो पॉलिटिकल बातें करते हैं, या तो वो अपने परिवार में जो पॉलिटिक्स है उनकी बातें करेंगे, उनके साथ बैठो जब भी, तो मैंने कहा यार आप, मैं ऐसे उनको बोल देता हूँ, मैंने कहा मैं थोड़ा सा मुँहफट हूँ, तो मैं हमेशा से ही, मेरे को सीरियस नहीं लिया गया मेरे खानदान में, ये बोला गया कि पार्थ को बिल्कुल अकल नहीं है, तो जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो उनके साथ क्या होता है कि मैं बोलता यार नाना एक बात बताओ यार आप दुनिया की फालतू की बगैतियाँ करते रहते हो, अब मुझे ये बताओ कि आप ये सब बातें करते रहते हो, उसके बाद आप ध्यान भी करते हो, योगा भी करते हो, तो इससे क्या, मतलब क्या मिलेगा आपको, कुछ थोड़ा ढंग की बातें किया करो। तो कहते हैं तुम हो मूर्ख। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता था यही आने वाला है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब उनको पता है साउंड ऑफ साइलेंस वगैरह सब की चीज़ों के बारे में, लेकिन 6 साल पहले जो मैं था और 6 साल अभी बाद में, तो मेरा जब मैं कुछ मैं बात करता हूँ, तो अगर वो कुछ उठाएंगे कुछ टॉपिक विषय, तो उसका पूरा ब्रह्मांड मेरे पास भरा हुआ है, हर चीज़ में नहीं, इस चीज़ में सिर्फ, क्योंकि मैंने अपने अंदर से सीखा है, सबसे ज़्यादा जो मैंने फोकस किया है वो है कि मैं अपने अंदर से सीख रहा हूँ, और यही एक अच्छे संत की पहचान है, संत मतलब वो नहीं होता है कि मतलब
कि सब कुछ छोड़ के बैठा हो, नॉट या नॉट लाइक दैट. संत मतलब वो होता है जो सब कुछ अंत कर दे. संत सब अंत, जो शांत हो अंदर, उसके एक गहरापन हो. एक ये नहीं कि फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैंने कहा यार एक बात बताओ आप, एक बार मैंने ऐसे सवाल किया, मैंने कहा एक बात बताओ, आप अभी भी गाना बजाना करते हो, है ना, आपके पास गाना बैठो तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा ये है, वासना है गाना बजाने की, कि आप एक एक घंटे लोगों को छोड़ते नहीं हो, लोग रो देते हैं और आप गाना गाते ही रहते हो, गाते ही रहते हो, गाते ही रहते हो. तो आप अभी मतलब ऑलमोस्ट 85 साल के हो चुके हो, और आपका आपके ये जो अंदर ये वासना है ख़त्म क्यों नहीं हो रही, एक गाना गाने की जो वासना है, ये गाने लिखने की, गाने की और वासना है, तो आपको मतलब. तो ये सब मैंने जब बात किया तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना बुरा वहाँ से रिप्लाई आया मैं बता भी नहीं सकता. तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो करना है करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को मत पकड़ो. एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे मैं नहीं बैठ पाऊंगा आपके पास कि एक गाना सुनते रहो, क्योंकि मेरा तो आप सुनते ही नहीं हो, अपना ही सुनाते रहते हो, इससे अच्छा है कि मैं अपना अलग रहूं. तो एक बार ऐसे ही बात चल रही थी हमारे कजिन्स में, तो उन्होंने एक बात बोली कि पार्थ एक ऐसी डायरेक्शन में निकल चुका है जहां पे तुम लोग सपने में नहीं सोच सकते हो. तो ये चीज मेरे भाई ने बताई, मेरा कजिन भाई, तो मुझे अच्छा लगा. मैंने कहा चलो, उनको उनको सेंस है, उनको ये पता है कि भले ही उन्होंने उतने गहराई में जाके नहीं किया हो, लेकिन उनको ये एक चीज उनके मुंह से निकला कि इस आदमी की दिशा अलग ही है कुछ. तो वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी थी कि मैंने भी अंदर मन में बोला, मैंने कहा यार ये दिशा नहीं है सर, मजबूरी है मेरी, क्या कर सकते नाना. ये मजबूरी थी, क्या कर सकते, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास. बट एनीवे, तो उन्होंने एक मेरे को बात बोली थी जिसके ऊपर ये पूरा विषय चालू हुआ, कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नाना ये बताइए, आपको हैबिट्स का मतलब पता है हिंदी में? तो मैं मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि हैबिट्स का मतलब हिंदी में, एक तो वासना होता है वो तो जो बसे हुए अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वो उसको हटा दो, उसको हटा के बात करें. तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते नहीं वासना इसको बोलना सही नहीं होगा. तो मैंने कहा, बोलते कि तो मैंने कहा आदत तो होगा नहीं, आदत तो उर्दू है. बोलते हैं हाँ आदत भी नहीं है उनकी, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है. तो कहते हैं रुको मैं बताऊंगा तुम्हें. तो मैं नीचे आ गया, फिर मैं आधे एक घंटे बाद ऊपर गया, मैंने कहा कि हाँ चाय ले लीजिए या कुछ ऐसा था. तो बोलते हैं याद आ गया पार्थ, उसका नाम होता है प्रवृत्ति. तो मैंने कहा अच्छा हाँ, वृत्ति तो मुझे पता है, प्रवृत्ति ये आपने सही बताया. प्रवृत्ति एक ऐसी चीज है, अगर प्र को देखेंगे तो वो पुनः मतलब दोबारा, या उसको कह सकते हैं बिफोर कहते हैं, प्रकाश जैसा, आकाश से पहले का जो प्रकाश का मतलब होता है कि बिफोर आकाश. प्र जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर बिफोर, दैट इज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर बिफोर, मतलब प्र, प्री कह सकते हो. प्री से कनेक्टेड नहीं है बट प्र को आप कभी सर्च करिएगा प्रॉपरली कि प्र क्या डिनोट करता है. तो प्र मीन्स होता है बिफोर द इवेंट, और तो वृत्ति प्रवृत्ति. तो वृत्तियां मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, वट एवर एक्टिविटीज हैपनिंग, द थिंकिंग पैटर्न, द इमोशंस, द भावनाएं, द फीलिंग्स, द वे यू कॉन्ग्रीगेट द इंफॉर्मेशन एंड परम्यूटेट एंड ऑल दैट एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द माइंड, दैट इज कॉल्ड प्रवृत्तियां, दैट इज कॉल्ड वृत्तियां. और प्रवृत्तियां मतलब होता है जो कि पहले से ही फिक्स्ड हो, जो फिक्स हो चुकी हो या पहले से ही फिक्स्ड हो. सो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति, दैट इज कॉल्ड हैबिट.
तो वन